अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं को कराई गई जंगल की सैर। ऐसा करने के पीछे मकसद यह था कि बच्चे मोबाइल फोन से बाहर निकलें और जानें कि आखिर जंगल में कितने तरह के जीव जंतु और पौधे होते हैं। साथ ही इसको एक एडवेंचर कैंप की तरह ही बच्चों को घुमाया गया। ऐसा करने से बच्चों का रुझान पर्यावरण के प्रति बढ़ेगा, साथ ही वह पेड़ों को कटने से बचा सके और उन्हें उगाने की ओर अग्रसर होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन वन परिक्षेत्र गुना की तरफ से किया गया। भी उसकी उपयोगी, मतलब देखो एक पेड़ अगर अच्छा बहुत मैच्योर पेड़ रहेगा ना, तो कम से कम 15-20 हजार रुपए एक आदमी को आमदनी करेगा। इसके गुली, जो गुली रहेगी और फूल रहेगा, हवा से जाएगा या किसी भेड़ बकरी के पेड़ों से चले, कैसे भी चले जाएगा, अगर बीज गिर गया तो वहाँ ये आ जाएगा और जहाँ ये उग जाएगा वहाँ आसपास फिर कोई दूसरे स्पीसीज को आने नहीं देगा, डोमिनेंट हो जाता है, इतना डोमिनेंट। तो ये और कौन से पेड़ के बारे में जाना, और तेंदुआ का मेला भी बताएंगे, यहाँ पर है नीलगाय भी सर, और कोई उपयोग इसका? और तो कोई उपयोग नहीं है। ये जो स्कूली बच्चों को आज जंगल में लाया गया है, अनुभूति कार्यक्रम के तहत इनको जंगल भ्रमण कराया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे जंगल के बारे में जाने, यहाँ का आकर महसूस करें कि जंगल में क्या अच्छा है और इसका महत्व क्या है, क्योंकि आज का जो दौर है वो मोबाइल तक ही सीमित हो गया है, पर्यावरण की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो पर्यावरण की ओर एक स्कूली बच्चों को, क्योंकि आने वाला भविष्य है कल के, ये जंगल के प्रति जागरूक हो, इनके माध्यम से जन जन तक एक संदेश देना चाहते हैं जंगलों के महत्व के बारे में, क्योंकि आज का दौर ये है कि जंगल कोई एक पौधा नहीं लगा रहा है और 10 पौधे काटने के लिए तैयार हो जा रहा है 10 पेड़ के लिए, लेकिन ये इस माहौल को देखेंगे, क्योंकि हमें जंगल में जड़ भंडार इतना है, सिर्फ हमें सुरक्षा करना है,